जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। स्वच्छ भारत मिशन अभियान की तरफ से जो भारत सरकार सभी को यहाँ शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपया दिया जाता है। तो क्या आपके घर परिवार या आपके गांव में कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके पास शौचालय नहीं है, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करके शौचालय का जो पैसा है 12,000 रुपया वो ले सकता है। वही आप हमें ये कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या 12,000 रुपये में शौचालय बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो सारा कुछ प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे क्या इसका आवेदन करना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे एंड क्या क्या इसका प्रोसेस है, सारा कुछ हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। बस वीडियो को जरा सा भाई स्किप ना करते हुए वीडियो को एंड तक बने रहें। और उससे पहले अगर हमारे यहाँ चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन का कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहां पे आपको लिखना है स्वच्छ भारत मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन लिख करके आपको सिंपली इसको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड जैसे ही आप उसको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पेजेस खुल करके आ जाएंगे। तो उसमें जो फर्स्ट में जो पेज आएगा स्वच्छ भारत मिशन का, ये वाला पेज जो आएगा, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस लेगा और इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल करके आ जाएगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जो इसका देख पा रहे हैं, तो आपको सिंपली ये वाला ऑप्शन जो एप्लीकेशन फॉर IHHL ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और नया पेज खुल करके आ जाएगा। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक यूज़र ID चाहिए होता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ पर जो यूजर आईडी बना रखे हैं तो यहां पे अपना जो यूजर आईडी का यहां मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहां पे अपना पासवर्ड डाल देंगे और यहां पे देख सकते हैं सिक्योरिटी कोड है, ये सिक्योरिटी कोड को आप यहां डाल देना है। उसके बाद साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और वहीं आपके पास अगर यूजर आईडी नहीं है तो हम आपको यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए भी बताएंगे कैसे आपको क्रिएट करना है और उसका एप्लीकेशन कैसे, जो एप्लीकेशन फिलअप कैसे करना है, तो वो भी हम आपको करने के लिए यहां पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है अपनी यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, जो भी आवेदन करेगा वो अपना यहाँ पे नाम डाल देगा। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेगा, जो भी जेंडर है वो जेंडर सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना, आप जिस भी राज्य से हो आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उस वाले क्लिक करने के बाद आपका जो यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा। एंड क्रिएट होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, एक कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसमें देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, काइंडली यूज रजिस्टर मोबाइल नंबर अस लॉग इन आईडी एंड लास्ट 4 डिजिट अस योर पासवर्ड। आप अपना जो यूज़र आईडी बनाएंगे, अपना जो मोबाइल नंबर डाला है मोबाइल नंबर को जो लॉग इन आईडी में डाल देंगे और उसका जो लास्ट का 4 डिजिट है मोबाइल नंबर का, तो वो वाला 4 डिजिट आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो फटाफट हम आपको लॉग इन करके दिखाते हैं। के बाद आपने जो यूज़र आईडी क्रिएट किया है तो वहाँ पे अपना यहाँ पे ऊपर में अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, जो मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट वो ही आपका पासवर्ड बन जाएगा, तो वो पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे डाल देना है एंड उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं साइन इन वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो पेज ओपन होने लगेगा, थोड़ा इसका प्रोसेस लेगा। इन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड आपको जो पहले से पासवर्ड मिला था वहां पे कि फोन का 4 डिजिट वो ओल्ड पासवर्ड डाल देना है, यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड डालना है। एंड न्यू पासवर्ड जो आप डालेंगे उसके लिए आप यहाँ नीचे देख सकते हैं पासवर्ड का कुछ रूल है, जैसे कि आप 8 लेटर का बना सकते हैं या उससे ज्यादा भी बना सकते हैं। एक अल्फाबेट होना चाहिए, अपर कप्स होना चाहिए या लोअर कप्स, कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब सैम्बल डाल सकते हैं और एक स्पेशल करेक्टर कुछ अलग बनाना चाहिए आपको, चाहे ताकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सारा कुछ हम यहाँ खुद का डाल चुके हैं। डालने के बाद आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही हम चेंज के पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, मेरा पासवर्ड जो चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे हम होम वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक कर देंगे एंड जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं मेरा सारा डिटेल यहाँ पे खुल करके आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद आप यहाँ सिंपली यहाँ पे कोने में 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड 3 डॉट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करें यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 टाइप्स का कुछ खुल करके आ रहा है। तो आपको न्यू एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करना है, व्यू एप्लीकेशन आपको वो एप्लीकेशन अगर किए हैं तो इसको देखने के लिए यहाँ पे आपका चेंज पासवर्ड वाला है। तो सिंपली हम जो यहाँ पे अपना न्यू एप्लीकेशन करेंगे तो हम आपको ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, सिंपली आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड जैसे ही वो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल करके आने लगेगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जो पहले जो स्टेट सेलेक्ट करेंगे वो स्टेट यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा।
जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो फटाफट हम डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे एंड अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना ब्लॉक नेम सेलेक्ट करना है, तो ब्लॉक नेम भी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पंचायत का नेम अपना पंचायत यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर जो भी पंचायत है वो अपना पंचायत आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं विलेज सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करने के बाद जो भी विलेज है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, इसमें भी आप फिर इसमें भी जो भी आपका जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ द एप्लीकेशन पर आधार, आपका आधार में जो भी नेम है चाहे जैसा आप गलत ही नेम है क्यों है ना, आधार में जो भी नेम वो नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार का जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये टिक वाला ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद देखते हैं वेरीफाई आधार, ये वाला वेरीफाई आधार, तो आपको सिंपली वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आधार का जो वेरीफिकेशन होगा वो आपको एक OTP आएगा, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपका फादर या हस्बैंड नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका जेंडर है वो जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी जेंडर होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, APL BPL जो भी है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद फिर आपका एक और नया ऑप्शन खुलने को आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट सब कैटेगरी, यहाँ पे अपना कैटेगरी जो भी है आप यहाँ डाल सकते हैं, SC ST जो भी है, तो आप छोटे जाति वो भी है तो वो भी डाल सकते हैं, जो भी डालना आपको डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड डाल सकते हैं, आधार कार्ड का आप यहाँ नंबर डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे अपना फुल एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देंगे। उसके बाद आपको बैंक डिटेल भरना होता है, तो यहाँ पे आपको FSC कोड डालना है, यहाँ पे FSC कोड डालने के बाद फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम डाल देना, जो भी आपका बैंक में अकाउंट है वो बैंक का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ ब्रांच ऑफ द बैंक, आप किस ब्रांच के किस बैंक का ब्रांच है वो डाल देना है, ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं बैंक का स्टेट, कोई कोई होता है जिनका अलग स्टेट का हो तो वो भी यहाँ पे अपना स्टेट सही सही जो डालेंगे। उसके बाद बैंक का डिस्ट्रिक्ट भी डालना है आपको, उसके बाद अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद फिर नीचे देख सकते हैं नीचे फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर है, वो कन्फर्म अकाउंट नंबर ही आपको डाल देना है। उसके बाद देखते हैं चूज फाइल, आपका जो बैंक का पासबुक है उसको जो आपको फोटो अपलोड करना होता है वो फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे एंड फोटो भी देख सकते हैं आप PDF JPG JPEG PNG ये सब में आप उसको फोटो को अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 KB में ही आपको अपलोड करना होता है। उसका सारा डॉक्यूमेंट का डिटेल सारा चीज डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ अप्लाई वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये अप्लाई वाला ऑप्शन भी आपको क्लिक कर देंगे एंड जैसे ही अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। और एक इसकी खास बात, इसमें जो आपको कोई फी देना नहीं होता क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार द्वारा, ये वेबसाइट इसमें आपको कोई फी नहीं देना होता। उसके बाद सिंपली आपको एक इसका जो स्लिप है वो स्लिप आपको मिल जाएगा एंड स्लिप मिलने के बाद आप उसका सारा कुछ डिटेल चेक कर पाएंगे। और डिटेल चेक करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कोने में आपको यहाँ 3 डॉट वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये 3 डॉट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप वो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन, आपको व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन का सारा चीज़ देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी साथ से साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक और नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।